ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद्, पार्ट 18, श्रीमद् और शिव बाबा का भंडारा। जैसे ब्रह्मा भोजन का गायन है, वैसे ही शिव बाबा के भंडारे का भी गायन है। शिव बाबा भोला भंडारी गाया हुआ है, अर्थात जो उसके भंडारे में एक डालता है वह उसको पद्म गुणा देता है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है, उसमें हम अपना तन मन धन कैसे सफल करें, उसका सारा विधि विधान बाबा ने बताया है। और अपना सब तन मन धन शिव बाबा के भंडारे में सफल करने के लिए श्रीमद् की है, जो करेगा वह पाएगा। साकार रिवाइज मुरली 17 सितंबर 2004। कभी भी यह संकल्प नहीं करना चाहिए कि हम किसी मनुष्य से लेवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म गुणा हो जाएगा, अपने को भी घाटा थोड़े ही डालना है। साकार रिवाइज मुरली 17 सितंबर 2004। अगर ब्रह्मा को याद कर दिया तो तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, जिससे शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 15 नवंबर 2004। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं, हमने जो दिया वह हमको वापस दो, हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। साकार रिवाइज मुरली 12 फरवरी 2005। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो, सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद पाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। साकार रिवाइज मुरली 16 फरवरी 2005। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे आदि जो कुछ है वह इसमें सफल करो। भूख कोई मर नहीं सकता, बाबा ने सब कुछ दिया फिर क्या भूख मरते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। साकार रिवाइज मुरली 2 नवंबर 2001। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ, शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। अव्यक्त मुरली 13 सितंबर 1974। आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, द्रौपदी या तो आप सब हो ना, द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरा सर्वशक्तियों की कोई कमी नहीं। सर्वशक्तियों से संपन्न देगड़ा कब खाली नहीं होता। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, शिव बाबा से पद्म लिया, दिया नहीं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको क्या देंगे। साकार रिवाइज मुरली 9 नवंबर 2004। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है, गायन है शिव बाबा का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, वह है ज्ञान रत्नों का सागर। साकार रिवाइज मुरली 31 जुलाई 2006। मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ,
शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, ये जैसे उनका रिगार्ड रखना है। ये शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 1889। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम मान शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। यदि नाम मान शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। साकार रिवाइज मुरली 10 अक्टूबर 2006। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो तो तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। चावल मुट्ठी का भी गायन है ना, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है, जितना साहूकार का। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। साकार रिवाइज मुरली 7 अक्टूबर 2006। कोई समझते हैं हम शिव बाबा को देते हैं, ये तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1992। विचार करो, परमात्मा ने हमको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। चाहे प्रवृत्ति वाले चाहे सेंटर वाले, सदा शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा और भंडारी में बरकत नहीं होगी। कोई कमी होती है तो उसका कारण है बाप के बजाय मेरेपन की खोट है। श्रीमद और गोवर्धन पर्वत में अंगुली का सहयोग। बाबा ने कहा है ये कलयुग गोवर्धन पर्वत है, बाबा इसको उठाने के लिए आया है। परंतु बाबा अकेला क्या करेगा, आप सब बच्चों का सहयोग चाहिए। इसलिए भागवत में गोवर्धन पर्वत में सर्व गोप गोपियों की अंगुली के सहयोग का गायन है। ये सब अभी की बात है। सभी बच्चों को अपनी अंगुली के सहयोग के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 18 मई 1969। इस कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए हर एक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं है। अंगुली देकर कलयुगी दुनिया को खत्म करना है और सतयुगी दुनिया को लेना है। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 1973। ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एकर स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तभी विश्व में शक्ति सेना का नाम बाला होगा। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। यह जो चित्र में सभी की एक ही अंगुली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प एक मत एकर स्थिति की निशानी है। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 1972। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एकर स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत में अंगुली दिखाते हैं तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे, सीधा और स्थिर, उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल सीधा रखना है। श्रीमद और परमात्मा की छत्रछाया। परमात्मा की छत्रछाया माया से बचने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए बाबा सदैव श्रीमद देते कि सदा अपने को बाबा की छत्रछाया में अनुभव करो। जहाँ परमात्मा की छत्रछाया है वहाँ माया की छाया पड़ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती। वास्तव में परमात्मा तो सबका पिता है और ब्रह्मा बाबा भी सृष्टि का आदि पिता है, अर्थात सर्व मनुष्य मात्र का पिता है। दोनों का स्नेह सर्व आत्माओं से सदा है और दोनों की छत्रछाया सदा ही आत्माओं के ऊपर है। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान के अनुसार
जो उनकी छत्रछाया को अपने ऊपर अनुभव करते हैं, उनके लिए ही वह छत्रछाया का काम करती है। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 1994। माया से बचने का साधन है बाप की छत्रछाया। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 1994। माया की छाया से निकल अपने मन बुद्धि को बाप की छत्रछाया में लाओ। इसके लिए विशेष साधन है बहुत सहज, जो पहले भी सुनाया। पॉइंट, पॉइंट लगाकर, पॉइंट बनकर, पॉइंट बाप को याद करना और ज्ञान की पॉइंट्स को चिंतन करना। श्रीमत और परमात्मा की मदद, श्रीमत और बाप की मदद एवं बाप के मददगार। परमात्मा की मदद आत्माओं को सदा मिलती है और परमात्मा सदा मददगार भी है, परंतु परमात्मा की मदद का विधि विधान है एक कदम हमारा और हजार कदम बाप की मदद। इस विधि विधान को ध्यान में रखकर जो जितने कदम उसके बताए गए मार्ग पर उनकी श्रीमत अनुसार उठाता है, उसको उतने गुणा परमात्मा की मदद अवश्य मिलती है। उसका विधि विधान भी परमात्मा ने बताया है और उसकी मदद लेकर जीवन को सफल बनाने के लिए श्रीमत भी दी है। परमात्मा की मदद के लिए गायन है, हिम्मत बच्चे मदद दे भगवान। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 88। स्नेह से झुकाव हो या हिसाब किताब चुप्त होने के कारण ईर्ष्या घृणा से झुकाव हो, दोनों प्रकार का झुकाव नीचे ले आता है, योग में स्थिर होने नहीं देता है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, हिसाब बनाया आपने और चुप्तु बाप कराए। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 83। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा, जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती ये टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 86। बेपरवाह निर्भय होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो बाप की पद्मगुणा मदद भी मिलती है। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2004। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 86। हिम्मत से बाप की मदद भी मिल जाती है, ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। हिम्मत और उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। अव्यक्त मुरली 28 सितंबर 69। जितना आप अपने में निश्चय रखते हैं उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही का सहयोग अवश्य मिलता है, किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। कब भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। जो मददगार है उनको मदद तो सदैव मिलती है, ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेकों के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 86। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को बाप का एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोग बनने वाली आत्माओं को
ऐसी कोई भी मुश्किल की वेला आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में निंदित हुई है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 1974। अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बापदादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार सहयोग देने का जंप अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा होती है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। दिल से कहना मेरा बाबा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। एक कदम आपका हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का है ही है। हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1987। बाबा शब्द सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने आती है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहा बाबा तो खजाने सदा हाजिर है, अखूट खजाने हैं। जितना लेना हो खुली दिल से ले लो, दाता के पास कमी नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2005। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। अब हर एक को अपने को आपे ही मदद करनी है। ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत तुम बच्चों को ही मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 1993। व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी न आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। अटेंशन रखो लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं हो। सदा यह स्मृति में रखो कि बाप दादा की मदद अर्थात सहयोग का हाथ सदा मेरे सिर पर है। ये चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। साकार रिवाइज मुरली 20 फरवरी 2006। बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहने चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद अवश्य मिलती है। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 1992। हिम्मत हमारी और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। पांडव होना, सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1996। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1996। बाप की मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद है। मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 1995। ज्ञानी अर्थात समझदार। समझदार की निशानी है कभी भी धोखा नहीं खाना, और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। सदा अनुभव करो सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1994। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। बाप सदा मददगार है। सिर्फ हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाप 1000 कदम बढ़ाने के लिए बंधा हुआ है। बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं और आपको बाप प्रिय लगता है। ये हंसने वाले कल आपको नमस्कार करने वाले हैं। श्रीमत और एक बल एक भरोसा एवं एक रस स्थिति। भक्ति मार्ग में भी एक बल एक भरोसे का गायन है, अर्थात जो एक परमात्मा के आधार पर रहता है उनकी ही श्रीमत पर चलता है,
उसका सर्व कार्य परमात्मा सिद्ध करते हैं। हर स्थिति का राज और उस पर स्थित रहने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। जब एक का ही बल और एक का ही भरोसा होगा तभी एक बाप की याद स्थिर रहेगी और हमारी स्थिति एकरस रहेगी। हम सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहेंगे। अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर 75। एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एकरस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, वो सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, जापर कृपा राम की होगी, तापर कृपा करे सब कोई, एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाहि। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 87। अगर साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। सहयोग लेना अलग बात है लेकिन सहारा बनाना अलग बात है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 93। मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ करते तो खुश होते हैं। जो एक बल एक भरोसे में रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 89। सदैव एक का पाठ पक्का रखो। एक बाप एक ही संगम का समय है, एकर स्थिति में रहना है और एक बाप से ही सर्व प्राप्ति करनी है। अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो लक्षण भी कमजोर होंगे। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं। जो एक बाप दूसरा न कोई, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। सदा यह याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। एकव्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती है जो हल्का होने के लिए किसको सुनानी पड़े। जब वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, फिर साकार में कोई विशेष साथी क्यों चाहिए। श्रीमत और हिंसा अहिंसा। बाबा ने हिंसा और अहिंसा का राज भी समझाया है और हिंसा से कैसे बचे और अहिंसा की धारणा कैसे हो उसके लिए भी श्रीमत दी है। दुनिया में तो किसी को मारना या दुख देने को ही हिंसा कहा जाता है, लेकिन बाबा ने हिंसा की यथार्थता को बताया है। बाबा ने कहा है हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है किसी को दैहिक रूप से दुख देना और दूसरा है किसी को आत्मिक रूप से दुख देना। काम कटारी चलाना ऐसी ही हिंसा है जिससे आत्मा की शक्ति का पतन होता है और आत्मा महान दुख को पाती है। बाबा ने किसी भी कीमत पर इस काम कटारी की हिंसा से बचने के लिए कहा है।
और उसके लिए श्रीमती है। बाबा ने कहा है, काम विकार से बचने के लिए तुम मर भी जाते हो तो भी श्रेष्ठ पद पाएंगे, इसलिए इस नियम में कब ढीला नहीं होना है। साकार रिवाइज मुरली 12 मई 2005। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 71। माया से युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे सुख और शांति की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 71। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है, तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना, यह भी हिंसा है। किसी आत्मा को अपने व्यवहार से इस ज्ञान मार्ग से विमुख कर देने को भी बाबा ने हिंसा कहा है, क्योंकि उस आत्मा को पतन के रास्ते पर ढकेलने के निमित्त बनते हो। श्रीमत और संपूर्णता। हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है संपूर्णता, क्योंकि संपूर्णता में ही संपन्नता और प्रसन्नता समाई हुई है। संपूर्णता क्या है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है और वह कैसे करना चाहिए, उसका ज्ञान और उसकी धारणा के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। जिस श्रीमत पर चलने वाले ही इस जीवन में संपूर्णता का परम सुख प्राप्त करते हैं। अव्यक्त मुरली 29 जून 1970। जितना समर्पण उतना ही संपूर्ण, इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं, उनका लक्ष्य रखना है। जो अभी गुप्त है, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते। अव्यक्त मुरली 18 जून 1970। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। समय पर संपूर्ण बने तो संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर कब हो न सकेगा। अव्यक्त मुरली 24 जून 1970। जितना दूसरों को संदेश देते हैं, उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 1970। निंदा स्तुति मेरा तेरा कुछ भी अंगीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प आते ही वहां बाबा के पास पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है, यह गुह्य पहेली है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 1970। बाप दादा कब व्यर्थ की रचना नहीं रचते है, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, उपराम और साक्षी दृष्टा। अव्यक्त मुरली 28 जुलाई 1971। सुनाया था ना कि अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे।
पहली सीढ़ी अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। अव्यक्त मुरली 4 जुलाई 74। संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है। पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व बंधन मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रिया स्वयं से है ही अलग। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 74। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट, सतोप्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। अव्यक्त मुरली 8 दिसंबर 75। अशरीरी भव, ये वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। ये सहज अनुभव होना ही संपूर्णता की निशानी है। अव्यक्त मुरली 7 अक्टूबर 75। संपूर्ण स्टेज की निशानियां। पहली निशानी पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सर्व आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे। अव्यक्त मुरली 8 जून 72। संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 91। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम सदा एवर रेडी है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। भाग्य विधाता के बच्चे हैं, ये स्मृति में रखना माना भाग्य को बढ़ाना। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। अभी समय समीप आना नहीं है, आपको लाना है। कई पूछते हैं कितना समय लगेगा, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, लेकिन नवनिर्माण करने वाले इतना रेडी है। पुराना खत्म हो जाए परंतु नया निर्माण ही नहीं हो तो क्या होगा? अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना दोनों ही समान है? ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में उसको ही पास मार्क्स मिलेंगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है संपन्न है।
श्रीमद और संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता एवं प्रसन्नता। संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता एवं प्रसन्नता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रसन्नता मानव जीवन का लक्ष्य है, परंतु प्रसन्नता के लिए आत्मा की संपूर्णता परम आवश्यक है। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। हम कैसे सदा प्रसन्न रह सकते हैं, इसलिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। बंधन वाला विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए उन प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, सब कुछ होते भी और कुछ चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा, और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी संतुष्टता नहीं रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 10 सितंबर 2005। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले को चाहे विदेश वाले को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण है दिल का स्नेही कम। स्नेह माना लवली। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कारण है दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है, लगाव कोई व्यक्ति से या साधन से तो नहीं है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। जहाँ संतुष्टता है उसकी निशानी है सदा प्रसन्नता। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। संपन्न और संपूर्ण, एवर रेडी, सफल कर सफलता मूर्त बनने का। जो वायदा किया है तो अभी एक मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। संस्कार मिटाना, मिलाना और मनाना, ये बातें हुई। अभी खूब सारा साल हर्षित रहना और सभी को हर्षित करना। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, यही मनाना है, यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं, यही याद प्यार है। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। अगर ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी है, और प्राप्तियां भी अविनाशी है, तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहो और स्मृति स्वरूप रहो। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा सदा ही इच्छाओं के वश होगी। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 91। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, इन पांचों बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वे औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी ही स्व उन्नति में भी वृद्धि हो, दोनों साथ साथ हो, तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यह है विशेष वरदान। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 96। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है।
बाबा ने पहले भी सुनाया है कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 1995। बिना चक्कर के चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। चक्कर लगाना अर्थात अपने अनुभवी मूर्त में और मार्क्स पढ़ाना, सदा संतुष्ट रहना, चाहे कर्मणा हो, चाहे वाचा हो, चाहे मनसा हो, लेकिन संतुष्ट रहना, इसमें ही मार्क्स मिलनी है। कोई भी सेवा करो लेकिन सच्चे दिल से, मैं और मेरापन नहीं हो। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 1994। अगर सोए हो तो भी सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। स्व से संतुष्ट, बाप संतुष्ट और लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट, तीनों सर्टिफिकेट लेना है। श्रीमत और मान अपमान, जीत हार, निंदा स्तुति में समान स्थिति, श्रीमत और फीलिंग का फ्लू, श्रीमत और अचल अडोल एकरस स्थिति। बाबा ने कहा है तुमको मान अपमान, जीत हार, निंदा स्तुति सब में समान रहना है, तभी इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे। परंतु वह स्थिति कैसे बनाएं? उसके लिए भी श्रीमत दी है और ज्ञान भी दिया है। वास्तव में इस विश्व नाटक में मान अपमान, जीत हार, निंदा स्तुति का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है और ये एक खेल है। साकार रिवाइज मुरली 6 जनवरी 2005। कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसको देखकर खुशी होती है, घृणा आ नहीं सकती। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, इसलिए घृणा की बात ही नहीं। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 1970। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे, जो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो या फ्लू खत्म हो जाएगा। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि सर्वशक्तिवान को अपना बना लिया है। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 1969। रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। स्तुति निंदा लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट रहना है और रहम दिल बनना है। अव्यक्त मुरली 19 जुलाई 1972। 8 को समझाया, उनमें से 2-3 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा न ग्लानी करते हैं, गंभीरता से चलते हैं। फिर देखेंगे कि 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज़्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की। वास्तव में है यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। अव्यक्त मुरली 8 जून 1972। वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानी से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखोगे तो कमाल अनुभव होगी, अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। अव्यक्त मुरली 29 अगस्त 1971। जितना जितना योगयुक्त उतना ही सर्वबंधन मुक्त बनते जाते हैं, तो योगयुक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। जो गायन है निंदा स्तुति हार जीत महिमा व ग्लानी में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानी है, लेकिन एकरस अवस्था व स्थिति से डगमग नहीं होंगे।
साकार रिवाइज मुरली 10 जून 2005। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। अगर कोई बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। इस काम के कारण ही कितने पाप होते हैं। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 89। बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत करने के दो कारण हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, या ब्राह्मणों के या अज्ञानियों के संबंध संपर्क में आते, छोटी छोटी बातों में व्यर्थ फील कर लेते हैं, जिससे कमजोरी आ जाती है। इसलिए न फेल हो और न फील करो। साकार रिवाइज मुरली 29 अक्टूबर 2005। तुम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हो। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 87। विघ्न के निमित्त बनी आत्मा को विघ्नकारी नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले हमारे मित्र हैं, तो वह विघ्नों को पास कराकर अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। साकार रिवाइज मुरली 10 दिसंबर 2005। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। कोई भूल हो गई, ड्रामा में नूंद थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे नहीं हो उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। साकार रिवाइज मुरली 5 दिसंबर 2005। बच्चे कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। साकार रिवाइज मुरली 28 नवंबर 2005। देखते हुए फिर भी तुम अपनी अडोलता में खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम समझते हो तुम महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो यह हार और जीत का चक्र है जो फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। साकार रिवाइज मुरली 28 नवंबर 2005। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। जो पुरानी दुनिया को छोड़ दिया, अभी हम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। नई दुनिया सामने खड़ी है। बाप पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे बीती को चितवो नहीं और पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। साकार रिवाइज मुरली 28 नवंबर 2005। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं तुम आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। तभी तुम अचल अडोल स्थिर अवस्था में रह सकेंगे। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 90। अचल अडोल स्थिति के लिए कुछ भी हो जाए परंतु नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं है। इसलिए ही तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अखुट प्राप्तियों के आगे ये थोड़ा बहुत नुकसान क्या बड़ी बात है। जो प्राप्तियों को भूल जाते हैं तब उदास होते हैं। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। सदा अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। नथिंग न्यू, फुल स्टॉप भी बिंदी। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अव्यक्त मुरली 14 मार्च 2006।
ब्रह्मा बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा करा रहा है। जगदम्बा यह कहती थी, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है। करावनहार बाप करा रहा है, तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो, हर बात में नेचुरल बाबा बाबा निकले। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1990। अचल अड़ोल स्थिति के लिए कुछ भी हो जाए परंतु नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं, इसलिए ही तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 1984। बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन क्या हुआ क्या होगा इस रूप से नहीं देखना। नॉलेज कुल बनकर हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। हम योग स्थिति में बैठे हैं और उस किसी के चीखने की कि बचाओ बचाओ, या पास ही किसी शेर के दहाड़ने की आवाज आ जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। यदि हम सही योग की स्थिति में हैं, तो बाबा ने कहा है योग में तो सुनना भी बंद हो जाता है, इसलिए हमको वो सुनाई ही नहीं देगा। दूसरी बात, यदि हम सही योग में बैठे हैं तो उसके वाइब्रेशन के अंदर ऐसी कोई घटना हो नहीं सकती। तीसरी बात, बाबा ने कहा है अंत समय में सब होगा, उस समय तुम्हारी अचल अडोल स्थिति रहे, उसके लिए अभी से ही तैयार रहना है। चौथी बात, अब आत्मा अपनी यथार्थ आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो कृत्य का संकल्प स्वतः आता है, शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, उसके लिए अभी से सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है देह से न्यारी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने के सफल अभ्यास की। इसलिए बाबा की श्रीमत है, तुमको चिंता और चिंतन दोनों से परे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 1995। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगी। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा, तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। बेहद का नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं। श्रीमत और स्वराज अधिकारी, श्रीमत और सच्ची स्वतंत्रता। अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर 1989। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है, सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे होने की है। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 1995। अगर लास्ट में आए हो तो फास्ट जाना है, चाहे लास्ट में आए, लेकिन संपन्न होने का और समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सदा इस स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। अव्यक्त मुरली 26 फरवरी 1995। भविष्य के राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। युक्तियुक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। सेवा में ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। श्रीमद और कर्मेंद्रिय जीत। बाबा ने कहा है स्वराज्य तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, अब उस अधिकार की अनुभूति कैसे करें, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनकर इस विश्व नाटक का आनंद कैसे ले, उसके लिए भी श्रीमत दी है, और सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहने की भी श्रीमत दी है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकता है।
और अभी संगम युग पर परमानंद का अनुभव कर सकता है। बाबा ने आत्मिक स्वरूप का ज्ञान देकर देह से न्यारे होने की प्रक्रिया का जो ज्ञान दिया है और उसका जो विधि विधान बताया है, वही स्वराज्य अधिकारीपन की अनुभूति का एकमात्र साधन है। उसका सही रीति से अभ्यास हो तो आत्मा का सहज ही अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन होगा और आत्मा किसी भी देशकाल परिस्थिति में परमानंद का अनुभव करेगी। ऐसे परमानंद का अनुभव करने वाली आत्मा किसी भी परिस्थिति में इस संगम युग पर तंग होकर शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं करेगी। शरीर छोड़ने के लिए उतावली नहीं होगी, वह सदा इस संगम युगी स्वराज्य का सुख अनुभव करेगी। अव्यक्त मुरली 17 मई 69। पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं और जो अधिकारी है वे अधिकारी के नशे और खुशी में रहते हैं। साकार विवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। जमींदार अपने को इंडिपेंडेंट समझ बड़ा नशे में रहते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। अव्यक्त मुरली 18 जून 69। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। शुबाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है, वे कोई भी बात के अधीन नहीं होते हैं। अगर देह के संबंधियों के, देह की कोई भी वस्तुओं के अधीन है तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 87। सदा स्वराज्याधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्याधिकारी स्थिति की निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। चेक करो मन बुद्धि संस्कार इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 87। बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल का भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो, ये नॉलेज दर्पण है। यदि अभी तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा, अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। अव्यक्त मुरली 23 सितंबर 73। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले जिनको टीचर कहते हैं, वे राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे लेकिन राज्य करने वाले नहीं बनेंगे। राज्य अधिकारी वे बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। ओम शांति।